आज का जो हमारा जीएस का सेशन आ जाएगा इसको हम डेली डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ़ आपने साथ साथ में करना है आपके फॉरेस्टर और भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी शानदार तरीके से ये सेशन आपका साइंस का होने वाला है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज बोन्स मसल्स या काइंस तो हिस्टोलॉजी आपने बतानी है तो हम बात करें हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किसकी हो जाती है हमारी टिश्यूज की ठीक है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू आपकी हो जाती है और बात करें जो नेक्स्ट बोन्स की बोन्स की स्टडी होती है ऑस्ट्रियोलॉजी मसल की स्टडी होती है मायोलॉजी स्टडी ऑफ काइंस होती है न्यूमेस्टिक ये आपने याद रखना है ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जब वो परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन तभी वो कॉन्स्टिट्यूट होके क्या बनता है टिश्यू बनता है हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कैनिस नपस इज कॉमनली नोन एज कैनिस लपस लैटिन नेम है इसका कौन सा एनिमल हो जाएगा ग्रे बोल्फ गोट हैन या काऊ तो गोट हो जाती है गोट के नेम की बात करें कोप्रा एग्रस हिरकस हैन का गैलस गैलस डोमेस्टिकस कऊ का बोस्ट टेरस तो ग्रे बोल्फ होती है हमारे पास कैनिस लूपस कैनिस लूपस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज द फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर्ड पेंसिलिन क्लोरोफेनिकोल्स इमिपेनम सेफ्लोसॉप्रिंस पेंसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने पेंसिलिन एक ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो अटैक करती है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को और ये वर्क करती है इंटरफेयर के साथ बैक्टीरिया में उनके सेल वॉल के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से आपने बताना है डिफरेंट आर आर्ट फ्रॉम दी अदर रिलेटेड इन ए पर्टिकुलर वे पैथोलॉजी नेफ्रोलॉजी शेल्स साइकोलॉजी तो इधर तीनों संबंधित बताने हैं जो शैल्स हैं वो अलग हो जाएगा बाकी सारी की जो मेडिकल की साइंस आ जाती हैं ठीक है, है? आ, तो इसमें बात करें जो पैथोलॉजी नेफ्रोलॉजी साइकोलॉजी ये सारा हो जाएगा तो उसके बाद बात करें जो हमारे बसंत रामाजी रहे हैं उनको फादर ऑफ पैथोलॉजी भी बोलते हैं उसके बाद नेफ्रोलॉजी जो स्टडी ऑफ किडनी होती है ठीक है वो डी चुग इज़ द नोन एज द फादर ऑफ़ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर चुग उसके बाद बात करें शेल्स ये क्या होती है फाउंड इन ओशंस मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उसके बाद मेल्कोलॉजी इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं शेल्स की स्टडी को मेल्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड शेल्स साइकोलॉजी जो स्टडी किसकी है ह्यूमन बिहेवियर की और बिलियम फादर आ जाएंगे साइकोलॉजी के डैश इज बीन शेप ऑर्गन ब्रेन लिवर किडनी या हार्ट तो जहाँ पे हम बात करें किडनी जो बीन शेप हो जाती हैं ग्यारह सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और लोकेटेड होती हैं वैली में और दोनों साइड ऑफ स्पाइन में होती हैं ठीक है और रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए फ़िल्टर करने के लिए ब्लड को और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड एम्प्योरिटीज को रिमूव करती हैं बॉडी से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं विटामिन बी ट्वेल्व का कौन सा रिच सोर्स नहीं है वो हो जाएगा विटामिन बी ट्वेल्व का सनलाइट जो कॉमन विटामिन जैसे डिजीज़ रिलेटेड डेफिशेंसीज में हम बात करें विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनोल नाइट ब्लाइंडनेस उससे होती है विटामिन बी वन केमिकल नेम थाया वेरी वेरी उससे होती है विटामिन बी टू राइबोफ्लैबिन केमिकल नेम उसकी वजह से रिटार्ड ग्रोथ और बैड स्किन होती है विटामिन बी थ्री केमिकल नेम नियासिन पैलेग्रा उसमें होती है स्किन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वॉमिटिंग डायरिया विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबाल एमाइन एनीमिया उससे होता है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी उससे होती है विटामिन डी कैल्सी रिकेट्स उससे होती हैं विटामिन ई टाकोफिरोल जो मसल डैमेज करता है विटामिन के फाइलोक्यून्यून जो एक्सेसिव ब्लीडिंग इंजरी होती है तब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन कौन सी हो जाती है हमारी जो अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने उन्होंने डिस्कवर करी थी पेंसिलिन और पेंसिलिन को हम पी भी लिखते हैं और जो डिराइव किया गया था पेंसिलिन फंगाई से उसको हम पेंसिलिन नो, नोट नोटैटम भी बोलते हैं और जो अलेक्जेंडर फ्लैमिंग है उन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता था फिजियोलॉजी आर मेडिसिन में 1945 में डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन के लिए ठीक है यह आपने याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ठीक है जिन्होंने पेंसिलिन की थी डिस्कवर 1928 में नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन एलिफेंट एशियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम पैंथरिया टिग्रिस पैंथरिया लियो एलिफस मैक्सिमम हिपोपोटामस एम्फिफस तो इसका हो जाएगा एलिफस मैक्सिमस ठीक है और आई लिस्ट में एंडेंजर सिंस ए नाइनटीन से ठीक है और लार्जेस्ट एनिमल है एशिया का एशियाटिक लाइन एशियाटिक एलिफेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स एग्स फेरस एग्गस एफ्रीकन्स ब्यूगाना पैकोस जिराफा कैमिलिडियो पैलिस तो इसका सही आंसर आपने बताना है जो क्या हो जाएगा एगस फेरस उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जिराफ का वो जाता है जिराफा कॉमरेडियस उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारा युक्स एफ्रीकन्स रिडोंकी का उसके बाद ब्यूना पैकस एल्पैका का ठीक है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन बैकबोन ऑफ डी एन एस मेड अप ऑफ वो बनी होती है डी शुगर नाइट्रोजन बोस नाइट्रोजन नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम किस में होता है बीट सोयाबीन ग्राउंडनट या एप्पल तो जहाँ पे बात करें जो सोयाबीन में होता है 0.36, बीट में 0.13, पॉइंट ग्राउंडनट में 0.26 तो फ्रूट्स में होता है जो 0.003 तो जहां पे सबसे ज्यादा आएगा आएगा सोयाबीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट राइट आंसर अफ्रीकन एलिमेंट का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा तो अफ्रीकन एलिमेंट का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा लोक्सडेंटो अफ्रीकना लोक्सडेंटो अफ्रीकना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बर्मी कंपोस्ट फ्लैटबॉम हुकबाम पिनबॉम अर्थबॉम तो इसमें बर्मी कम्पोस्ट जो प्रोडक्ट है डिकम्पोजिशन से होता है जो स्पीशीज़ है वाम्स की जैसे विगलर वाइट वाम एंड अर्थ बाम तो जो क्या करता है द रेयरिंग ऑफ वाम जो रेयरिंग ऑफ वाम करते हैं वो उसको बोलते हैं हम बर्मी कल्चर तो जहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा अर्थ बाम इसका आ जाएगा हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात करें जो एंटोनियो ल्यूवन होइ थे उन्होंने डिस्कवर करे थे बैक्टीरिया फ्राम द्यूमन माउथ इन सिक्स करे थे पावर हाउस ऑफ सेल तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं माइको कॉन्ड्रिया को और गोल्फी ऑपरेटर्स की बात करें जो प्राइमरली सेल ऑर्गेज से, है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट के लिए जो गॉल्गी अपरेटस है ये कहाँ पे फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में माइटोकांड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं ये जनरेट करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ए टी पी एडिनोस इन की फॉर्म में जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं फाउंड होती है सारे सेल में सेपरेट करती है इंटीरियर ऑफ द सेल आउटसाइड इन्वायरमेंट से न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें क्या हो जाता है जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर हो जाता है ब्लड ग्रुप ओ ठीक है तो ये हमारा साइंस का कुछ जी का आज का कॉन्टेंट था तो आज के सेशन में बस इतना ही इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें आपके लिए ये सेशन सुबह आठ बजे जीएस का और शाम को आठ बजे इंग्लिश डेली बेस पर आपका आता है कॉन्टिन्यू आपने इनको वॉच करना है और शेयर करना है अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही आज के इस पार्ट में बस इतना ही